हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर वन सेशन 2022-26 का जो आप लोग का कॉमन पेपर 3 है, कॉमन कोर्स पेपर 3 यानी कि स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती, योग शिक्षा एवं खेल तथा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एडुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ठीक है। आज उसी का हम विद्यागेस पेपर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। अगर एक विद्यागेस है बेनावा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वन सेशन 2022-26, अगर आप BBMKU के यूनिवर्सिटी से हैं तो आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग सिलेबस सभी का सेम है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके प्रश्न को देखते हैं कि आप लोग का एग्जाम किस टाइम में प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग को डिटेल में दी जाएगी। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार मैं लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहता हूं। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस एंड योगा एडुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कोर कोर्स पेपर आप लोग का 3 CC पेपर 3 है, ठीक है। जिनमें से पहला प्रश्न आप लोग का है, इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम में प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, शारीरिक पुष्टि के अंग एवं सुयोग्यता के अंगों का वर्णन करें। यानी कि शारीरिक पुष्टि के अनेक अंग होते हैं और अलग अलग खेल और शारीरिक पुष्टि के प्रत्येक अंग अलग अलग मात्रा में विकास करती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको शक्ति का डिफ्रेंशन, तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग क्वेश्चन सर भी करवाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें आने के जो भी शारीरिक क्रिया होती है इसके बारे में इसमें लिखना है, ठीक है। गति हो गया, इन सब सारी चीज़ों के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि पोषण क्या है एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए को बनाए रखने के लिए पोषण तत्वों के कार्यों का वर्णन करें। यानी कि पोषक तत्वों का कार्यों का वर्णन, यानी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवणों का, इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर भी दिखाएंगे आप लोगों को, जो भी खुद का लैंग्वेज रहेगा क्योंकि यहाँ पे गेस पेपर में थोड़ा हार्ड लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम जितने भी क्वेश्चन होता है उन सारे को करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला जो आप लोग का है, फूड पिरामिड पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। यानी फूड पिरामिड के बारे में बताना है, ठीक है। फूड पिरामिड में मतलब जो पोषण का स्तर होता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया कि संतुलित आहार, ठीक है, संतुलित आहार जो है क्या है एवं इसके घटकों एवं स्रोतों का वर्णन करें, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, जंक फूड्स के हानिकारक प्रभाव पर एक निबंध लिखें, जो इस बार के लिए एग्जाम के इसी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सिर्फ आज हम क्वेश्चन पेपर को देखना है, क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है। तो मधुमेह क्या इस पर एक लेख लिखिए। तो मधुमेह जो होता है डायबिटीज होता है, ठीक है, इंसुलिन के कारण होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मानव स्वास्थ्य पर जो होता है कि श्राप और तंबाकू के प्रतिकूल प्रभावों का वर्णन करें, जो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है वेरी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम की से इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि संक्रामक रोग क्या है एवं इसके कारणों एवं बचाव के उपाय करें। यानी कि संक्रामक रोग जिसे एक दूसरे व्यक्ति से फैलता है, ठीक है, तो खास कर इसे वायरस के कारण होता है, वायु के माध्यम से, भोजन के माध्यम से इसे फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे कि यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हृदय रोग, ठीक है, और अकृत रोग के बारे में। हृदय रोग जो हमारे हृदय को प्रभावित करने वाली कई स्थितियों के बारे में बताता है। हृदय रोग के अंतर्गत आने वाले रोगी में रक्त परिवहन रोग जैसे कोरोनरी धमनी रोग हो गया, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति का वर्णन करें, जो इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति एवं विस्तृत व्याख्या करें। भारत की जो क्या स्वास्थ्य की स्थिति है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, क्या व्यवस्था है, ठीक है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा, अच्छे एवं बुरे स्वास्थ्य के संकेतों की व्याख्या करना, एक अच्छा एवं बुरा स्वास्थ्य के बारे में बताना, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न, हाँ नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, स्वास्थ्य की अवधारणा अभिप्राय आयामों का वर्णन, यानी कि स्वास्थ्य क्या है, यानी कि स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बहुत से डिफिनेशन दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से कारक, जो एग्जाम के विषय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के भी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देखने वाले, क्या क्या क्वेश्चन इस टाइम में कॉमन कोर्स पेपर 3 यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एडुकेशन, स्पोर्ट एंड फिटनेस से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे योगा से प्रश्न पूछा है, जो के इतिहास पर चर्चा कीजिए, इम्पोर्टेंट है। अगला है योग में से ही है, आसन क्या, आसनों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, जो आसन ग्रहण करते हैं उसके अनुसार प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के मुख्य विचारों का मुख्य प्रकार क्या है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि आसन के मानसिक एवं शारीरिक लाभों की व्याख्या करें, आसन, ठीक है, यानी आसन ग्रहण करना, इसका मतलब समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिख रहा होगा, एक साथ यहाँ पे प्रश्न छूट गया है, तो उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। हाँ, आसन के मानसिक एवं शारीरिक लाभों की व्याख्या करें, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न को देखते हैं, नीचे दिए गए विभिन्न प्राणायाम के विशिष्ट व्याख्या करें, जिसमें से अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है, जो कि प्राणायाम के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया है, चलिए उस प्रश्न को भी देख लेते हैं, सारी ये सब चीज़ों को आप लोग को एक्सप्लेन करना। यहाँ पे 4 प्रश्न एक साथ दिया हुआ है, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट प्रश्न में आप लोग का ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के आसनों की व्याख्या करें, ठीक है, 4-5 प्रकार इसके बारे में, चक्रासन, शवासन, भुंजंगासन, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न, इससे आप लोग ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, प्रश्न किस टाइम में पूछा जाएगा इस टॉपिक से, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा महत्व का वर्णन करें, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास पर प्रकाश डालें, यानी कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास का क्या रहा, इसके बारे में बताना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में बताना रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, यानी कि हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेचिंग का, इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना, जिससे क्या होता है मांसपेशियों का खिंचाव होता है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना। अगला प्रश्न पूछा गया वार्मिंग अप, ठीक है, वार्मिंग अप एम लिबरिंग डाउन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, संक्षिप्त नोट लिखें, ये प्रश्न पूछा गया वार्मिंग अप के बारे में और लिबरिंग डाउन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न खेलों के नियम का वर्णन करें, फुटबॉल के खेलने क्या नियम होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्रिकेट के बारे में, वॉलीबॉल के बारे में, हॉकी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, इनके क्या क्या नियम होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को सारा एक्सप्लेन करना है। टोटल इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे को क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।